अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DS डिजिटल TV और मैं हूँ तैयबा शम्स। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं शाही किला लाहौर के बारे में। अगर आप लाहौरी हैं तो आपने शाही किला के नाम से मशहूर किला लाहौर का दौरा किया होगा, लेकिन क्या आपने कभी दीवारों, ईंटों, दरवाज़ों, बाग़ात, चश्मों, महलात और कोठरों में छुपी हुई कहानियों के बारे में सोचा है? ये इस दौर की एक जिंदा तारीख है जो आज भी गुजर चुकी है और अब भी इस मोहब्बत, मजालिम, अमन, सुकून और बदहाली की अकासी करती है जिसे लाहौर ने इस किला के ज़रिए देखा था, क्योंकि ये हमेशा लाहौर पर हुक्मरानी करने वालों के लिए इंतहाई मतलूब नशिस्त थी। लाहौर किला को यूनेस्को ने 1981 में आलमी सकाफती वर्षा में शामिल किया था। अब आइए कई सदियों के इस अकास की बसीरत को जिंदा करते हैं। ये यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता कि लाहौर किला असल में किसके ज़रिए बनाया गया था, क्योंकि ये मालूमात तारीख से महरूम हैं। तहम मसार कदीमा के खोदने वाले पाए जाने वाले शवाहिद से ये मजबूत इशारे मिलते हैं कि ये 1025 ईस्वी से बहुत पहले तामीर किया गया था। किला का इब्तदाई हवाला अलबेरूनी के मरतब करदा लाहौर की तारीख में आया है, जिससे मुराद 11वीं सदी के अवाइल में इसकी तमीर का हवाला दिया गया था। तारीखी अहवाल कहते हैं कि 1241 में इसे मंगोलों ने तबाह किया। 1267 में सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इसे दोबारा तामीर किया। 1398 में इसे अमीर तमीर की फ़ौज ने एक बार फिर तबाह किया। सुल्तान मुबारक शाह सैयद ने इसे मिट्टी में दोबारा तमीर किया। 1432 में इसने किला का रकबा दरियाए रावी की तरफ बढ़ाया, जो 1849 तक शुमाल में इसकी मजबूती के साथ बहता था। लाहौर किला सिख दौर की मजबूती की दीवार को छोड़कर तकरीबन 42.7 मीटर मशरक़ व मगरिब और 33.7 मीटर शुमाल जनूब में इकदाम करता है और अकबर के दौर तक छोटी जलती ईंटों में तमीर किया गया है। ये किला बुनियादी तौर पर एक किला महल था, लेकिन ये शाही खजाने का ठिकाना और जंग की सूरत में भी एक मजबूत किला था। लाहौर किला पाकिस्तान की वाहिद यादगार है जो फन तमीर की मुकम्मल तारीख और इसके बाद के ज़माने की नुमाइंदगी करती है। किले के अंदर चकोरियाँ हैं जो एक ख़ास अहद से मुतलिक हैं और इस ज़माने के फन तमीर की अकासी करती हैं। सिखों ने खाई के साथ शुमार में बैरूनी मजबूती की दीवार का इजाफा किया। मार्क अथ दरा हवेली माई जंदन और कोर सिंह के हवेली और शीश महल पर कुछ ढांचे रंजीत सिंह के जरिए तमीर हुए। सिख हुक्मरान 1799 से 1839 तक हुक्मरान रहे। उन्होंने मोती मस्जिद को एक मंदिर में तब्दील कर दिया और इसका नाम मोती मंदिर रख दिया। बाद में सरकारी खजाने के लिए इमारत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। शाही बावर्ची खाने को खाने के जखीरा और घोड़े के इस्तेहकाम में तब्दील कर दिया गया। जहांगीर के चकोर में कड़क सिंह की हवेली शामिल कर दी गई। 1846 में अंग्रेज़ों ने इस अजीम किले पर कब्जा किया और इसमें तरमीम के साथ पोस्टरीन गेट शामिल किया और किले के अंदर एक नया दर तमीर किया, जिसने शीश महल और दीवानी आमा के इलाके को रॉयल किचन और आलमगीरी गेट से अलग कर दिया। तरमीम बुनियादी तौर पर पुरानी इमारतों को अस्पतालों, बैरकों और दीगर नौ आबादियाती कामों में तब्दील करने पर मुश्तमिल है। बरतानवी हुक्मरानी के दौरान दीवानी आमा को अस्पताल और डिस्पेंसरी में तब्दील कर दिया गया। इस तरह तस्वीरों के दीवार और बादशाही मस्जिद के नज़ारे को रोकने के लिए मुख्तलिफ हिस्सों में मरकजी दीवार फैल गई थी। बरतानवी जेल कैदियों के लिए तमीर की गई थी और शाही बावर्ची खाने को जेल के खाने में तब्दील कर दिया गया था। अफसरान और पुलिस की रहायशगाहों के लिए एक और मंजिल को जोड़ा गया। इसी तरह शहनशाह जहांगीर के सोने के चैम्बर को डाइनिंग हॉल में तब्दील किया गया और हरम को मेहमान खानों में तब्दील कर दिया गया था। अंग्रेज़ों के लिए बावर्ची खाने दीवाने आम की छत की चोटी पर तमीर किए गए थे। 1899 में बरसगीर के वायसराय लॉर्ड कर्जन के हुक्म पर मोती मस्जिद को इसकी साबका इसरार हैसियत से बहाल कर दिया गया और कुछ मजहबी बाकियात बादशाही मस्जिद में महफूज थी। 1927 में अंग्रेज़ों ने किले को महकमा आसार कदीमा के हवाले कर दिया और बाद में 1947 के बाद हम खुशकिस्मत रहे कि ये पाकिस्तान में यहाँ मौजूद है। आइए इस किले की कुछ अनोखी खसूसियात की तरफ आते हैं। इसमें तकरीबन 21 मुख्तलिफ इमारतें हैं और ये इसे दुनिया के सबसे बड़े किलों में से एक बना देता है। लाहौर किला पाकिस्तान की वाहिद यादगार है जो मुग़ल फ़न तमीर की मुकम्मल तारीख और इसके बाद के ज़माने की नुमाइंदगी करती है। किले के अंदर
चकोरियाँ हैं जो एक ख़ास अहद से मुतालिक हैं और इस ज़माने के फ़न तमीर को ज़ाहिर करती हैं। किले में अकबर के दौर की फ़न तमीर खसूसियत सुर्ख रेत के पत्थर के इस्तेमाल और ईंटों के काम काटने की खसूसियात है। जहांगीर के चकोर में दलान चैम्बरों की अवानों की मदद करने के लिए ब्रैकेट के तौर पर जानवरों की शख्सियत जैसे शेर, हाथी और मोर के साथ साथ मुजस्मे वाली गोगरेल के इस्तेमाल से अकबर और जहांगीर के दौर के मुग़ल फ़न तमीर में हिंदू अनासर का इस्तेमाल ज़ाहिर होता है। शाहजहाँ औरंगज़ेब के अदवार की इमारतें साबका असरात के साथ नुमाया बरक्स पेश करती हैं। सुर्ख रेत के पत्थर की जगह संगे मरमर का इस्तेमाल और फारसी नक्शों की रोशनी पीटरा डोरा और ग्लेजर टाइल मोज़ेक काम जनूब मशरक़ी एशिया के शहजादा शाहजहाँ के ज़रिए शामिल इमारतों की अहम खसूसियात हैं। किले का मरकज़ी दरवाज़ा अकबरी गेट या मस्जिद गेट था और इसे मुग़ल बादशाह अकबर इस्तेमाल करता था। कहा जाता है कि शाहजहाँ ने अपनी आसानी के लिए मिसमाम गेट तमीर किया था और बाद में एक और बहुत बड़ा आलमगीरी गेट शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने तमीर किया था। जिस तक रसाई हजूरी बाग से होती है, इन दोनों किले का मरकज़ी दरवाज़ा शाहबुर्ज दरवाज़ा है जो अपनी शान शौकत से बुलंद आवाज़ में कहता है और इसे शाहजहाँ ने 1631 से 1632 में तामीर किया था। जब आप किले में दाखिल हो रहे हैं तो आपको पहली इमारत मकातीब खाना नज़र आती है जो जहांगीर के दौर में 1617 में तामीर हुई थी। और वहाँ से आप जहांगीर के चकोर पर चले जाएँ तो इस वक्त में 700,000 रुपये की लागत से तमीर किया गया था। इसी खसूसियात हिंदू मंदिर के फ़नी तमीर की अक्कासी करती हैं जो अकबर के रवादारी के नुक्ते नज़र का हवाला देती हैं। शुमाल के सिंध के वस्त में खड़े दरबार की मरकज़ी इमारत जहांगीर का अपना सोने वाला खैमा था जिसे बारी खबरगाह कहा जाता है। अगला आप लाल बुर्ज के मशरक में शाहजहाँ की चकोर के रास्ते में जा सकते हैं। वहाँ आपको शाही दीवान ख़ास और बादशाह का जिंदा खैमा नज़र आएगा। किला का ये हिस्सा खालिद सफ़ेद संगे मरमर से बनाया गया है। एक और हैरत अंगेज टुकड़ा शाही हमाम शाही गुसल खाना है जिसे शाहजहाँ ने तकरीबन 1633 में तमीर किया था। इसके चारों कोनों पर एक ही हमाम था जिसमें से सिर्फ दो मगरिब और शुमाल मगरिब के कोने में अब भी मौजूद हैं। हमाम के आगे ख्वातीन का बाग पैन बाग है। वहां से आप शीश महल का रास्ता बता सकते हैं जहां आपको 8 दारा नजर आएगा। जैसा कि आप शीश महल चकोर के अंदर हैं, आपको किले की सबसे महंगी इमारत नौलखा पवेलियन नजर आएगा और इसका नाम 9 लाख रुपए लागत का है जिसकी तमीर पर इस पर खर्च किया गया है। इस ढांचे को मशरक और मगरिब में दो पोशाक झलकते हैं, इन्हें लाल बुर्ज और काला बुर्ज का नाम से जाना जाता है। किले की मोती मस्जिद को याद नहीं किया जा सकता जो मौजूदा कैंटीन के इलाका और मकतब खाना के पिछले हिस्से के करीब आ गया है। अब मैं आपको एक और चमत्कार की तरफ ले जाऊं, जो हाथी जोड़ियां हाथी की सीढ़ियां हैं और इसे शहनशाह शाहजहाँ ने 1631 से 1632 में तामीर किया था। यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी दीवार और बरतानवी दौर का बारूद खाना शामिल हैं। ये दोनों भी फ़िलहाल बहाल कर दिए गए हैं। जी नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। हमारी बाकी वीडियोस देखते रहिए और लाइक कीजिए DS Digital TV। मुझे तैयबा शम्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।